अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहन, आप देख रहे हैं टेक होस्ट। तो यार आप लोगों को पता है कि वीवो की वाई सीरीज को पाकिस्तान के अंदर काफी ज्यादा पसंद किया जाता है, स्पेशली तौर पर ऑफलाइन मार्केट के अंदर। और ये है वीवो की वाई सीरीज का सबसे लेटेस्ट स्मार्टफोन जो कि है वीवो Y35। आज की इस वीडियो के अंदर स्मार्टफोन की आप लोगों के साथ मैं अनबॉक्सिंग को शेयर करूंगा, मेरे क्या थॉट्स हैं, मेरे क्या फर्स्ट इंप्रेशन है वो भी बताऊंगा। अगर आप लोगों का किसी किस्म का कोई भी क्वेश्चन हो वीवो Y35 के बारे में तो लाजमी तौर पर नीचे कमेंट कर दीजिएगा। आपके जितने भी क्वेश्चन आएंगे वो सारे के सारे क्लियर करने की कोशिश करूंगा। तो जल्दी से हम लोग स्मार्टफोन को अनबॉक्स कर लेते हैं। ये है वीवो Y35 का बॉक्स, बॉक्स के फ्रंट के ऊपर ब्रांडिंग की गई है। ओवरऑल जो बॉक्स है इतना ज्यादा डिस्क्रिप्टिव नहीं है, बैक साइड के ऊपर मेन हाइलाइटिंग चीजों को मेंशन किया गया है। लाइक इसके अंदर में 5000 एमएच की बैटरी मिलती है, साथ में 44 वाट की फ्लैश चार्ज प्लस प्रोवाइड की गई है, एक्सटेंडेड रैम 3.0 है, ये चीज काफी इंटरेस्टिंग है। इसके अलावा बैक साइड के ऊपर 50 मेगापिक्सल का ट्रिपल कैमरा का सेटअप है, ऑडियो बूस्टर 2.0 प्रोवाइड किया गया। इससे नीचे थोड़ी सी हमें इंफॉर्मेशन मिलती है, इसके अंदर में 8GB की रैम मिलती है, साथ में 128GB की इंटरनल स्टोरेज है, साथ में कलर को मेंशन किया गया और सबसे नीचे लिखा हुआ ये वाली डिवाइस मैन्युफैक्चर्ड इन पाकिस्तान है, जो कि हमारे लिए काफी प्राउडिंग चीज है कि ये वाली डिवाइस को पाकिस्तान के अंदर ही बनाया गया। इसके बाद बॉक्स की पैकिंग को रिमूव करके जैसे ही हम लोग बॉक्स को ओपन करते हैं तो टॉप साइड के ऊपर में मिल जाती है हमारी डिवाइस। इसको हम लोग करते हैं एक दफा एक साइड के ऊपर। अगर बात की जाए बॉक्स के कंटेंट्स की तो सबसे पहले हमें IMEI स्टिकर्स मिल जाते हैं, यूजर गाइड और वारंटी का पेपर वर्क भी प्रोवाइड किया गया। इसके अलावा हमें सॉफ्ट केस भी मिल जाता है जिसकी क्वालिटी काफी ज्यादा डिसेंट है। इसके अलावा मुझे काफी ज्यादा सरप्राइज हुआ कि बॉक्स के अंदर में हैंड फ्री भी प्रोवाइड की गई। आप लोगों को पता है कि आजकल कंपनीज चार्जर भी निकाल रही है लेकिन स्टिल वीवो ने इस फोन के अंदर हैंड फ्री प्रोवाइड की गई। अगर हम बात करते हैं चार्जिंग की केबल की तो टाइप सी की चार्जिंग केबल प्रोवाइड की गई है और बॉक्स के अंदर में 44 वाट का चार्जर प्रोवाइड किया गया। और फाइनली हमें मिल जाती है हमारी सिम इजेक्शन पिन। इन सारी चीजों को साइड के ऊपर करके हम लोग आते हैं हमारी डिवाइस की तरफ जो कि इस रैपर के अंदर है। इस रैपर से डिवाइस को निकालकर मैं सबसे पहले एक्टिवेट कर लेता हूं। सो फाइनली यहां पर मैंने वीवो Y35 को एक्टिवेट कर लिया हुआ है। सबसे पहले हम बात करते हैं स्मार्टफोन के बिल्ड और डिजाइन के बारे में। तो फ्रंट के ऊपर हमें नोच प्रोवाइड की गई है, यहां पर जो बेजल्स हैं वो काफी ज्यादा छोटे हैं। नीचे वाले साइड के ऊपर जो चिन का साइज है वो भी नॉर्मल है। इस स्मार्टफोन का जो फ्रेम है वो टोटली तौर पर हमें फ्लैट मिलता है जिसकी वजह से जो हैंड फील आ रही है मुझे काफी ज्यादा अच्छी आ रही है। आजकल आप लोगों को पता है कि जो फ्लैट फ्रेम है काफी ज्यादा पॉपुलर चल रहा है, तो यहां पर आप लोगों को वही ट्रेंडी डिजाइन मिल रहा है। जबकि स्मार्टफोन का जो बैक साइड के ऊपर डिजाइन है ना, इसके ऊपर देखकर यह चीज तो हमेशा की तरह वीवो ने प्रूव कर दिया है कि डिजाइन के मामले के अंदर वीवो को कोई भी बीट नहीं कर सकता। फर्स्ट ऑफ ऑल इसका जो बैक पैनल है ये ग्लास्टिक टाइप की आपको वाइप प्रोवाइड करता है, मैट फिनिश के साथ आता है, इसके ऊपर किसी किस्म के कोई भी फिंगरप्रिंट नहीं लग रहे। और यहां पर आप लोग एक्स टाइप के पैटर्न देख सकते हो जो कि लाइट के साथ अपनी पोजीशन को चेंज करता है। ओवरऑल देखने के साथ ये ताल्लुक रखती है डिवाइस। लाइक आपको जो डिजाइन है काफी ज्यादा पसंद आने वाला है। यहां पर जो कैमरा का मॉड्यूल है वो भी काफी इंटरेस्टिंग है, आप लोगों को शाइनिंग फिनिश के अंदर मिलता है, लाइक मिरर टाइप की फिनिश है। यहां पर जो कैमरा के रिंग्स है वो भी काफी ज्यादा बड़े हैं। और यहां पर जो छोटा तीसरा कैमरा का लेंस है ना, ये आपको फ्लैगशिप फोन्स के अंदर जो हमें पीरोस्कोप के लेंस होते हैं जो कि इस रेक्टेंगुलर शेप के अंदर आते हैं उस किस्म का डिजाइन यहां पर मिलता है। और इसके अलावा यहां पर फ्लैश के नीचे 50 मेगापिक्सल AI कैमरा की ब्रांडिंग भी मौजूद है। तो ओवरऑल अगर मैं बात करता हूं तो जो फोन की हैंड फील है ना ये काफी इंटरेस्टिंग है, काफी सटल टाइप की वाइब मुझे आ रही है, काफी प्रीमियम फील हो रहा है। और आप लोगों को जो बैक साइड के ऊपर डिजाइन मिल रहा है वो तो आप लोग यहां पर देख ही सकते हो भाई, उसका किसी किस्म का कोई भी मुकाबला नहीं है। तो लुक्स के मामले के अंदर, डिजाइन के मामले के अंदर स्मार्टफोन को पूरे के पूरे पॉइंट्स ही जाते हैं। इसके बाद बात की जाए अगर स्मार्टफोन के फिजिकल ओवरव्यू की तो यहां पर राइट साइड के ऊपर पावर बटन है, इसके अंदर फिंगरप्रिंट स्कैनर को इंटीग्रेट किया गया, उसके ऊपर वॉल्यूम रोकर कीज है, जबकि टॉप साइड के ऊपर हमें सिम ट्रे मिल रही है। इसके अंदर आप लोग डुअल सिम के साथ मेमोरी कार्ड को डाल सकते हो। लेफ्ट साइड के ऊपर कोई भी चीज मौजूद नहीं है। नीचे वाली साइड के ऊपर आते हैं तो मेन फायरिंग स्पीकर मिल रहा है, साथ में चार्जिंग की पोर्ट है, एक माइक है और 3.5 मिलीमीटर हेडफोन जैक की पोर्ट को प्रोवाइड किया गया है। इसके बाद अगर बात की जाए स्मार्टफोन की मेन स्पेसिफिकेशंस की तो फ्रंट के ऊपर में 6.58 इंचेस का एक IPS LCD डिस्प्ले प्रोवाइड किया गया, 90Hz का रिफ्रेश रेट और 550 nits की ब्राइटनेस मिल जाती है। ओवरऑल जो डिस्प्ले का साइज है ना मुझे काफी ज्यादा आइडियल लगा, लाइक 6.3 और 6.7 के बीच में जो 6.5 इंचेस होता है ना ये बिल्कुल आइडियल साइज होता है। आप लोगों की क्या ओपिनियन आप लोग नीचे बता सकते हो। जहां तक बात है डिस्प्ले की क्वालिटी की तो व्यूइंग एंगल्स के अंदर किसी किस्म का कोई भी मसला नहीं है। कंटेंट को मैंने थोड़ा बहुत अभी टेस्ट किया, कंटेंट काफी ज्यादा अच्छा आता है, लाइक जो कलर्स हैं वो काफी ज्यादा शार्प हैं। यहां पर जो 90Hz का रिफ्रेश रेट है वो भी काफी ज्यादा स्मूथ है और जो 550 nits की ब्राइटनेस है यहां पर आप लोग देख सकते हो कि बड़ी बड़ी लाइट्स लगी हुई है, यहां पर आपको क्लियरली तौर पर स्क्रीन नजर आ रही होगी। आउटडोर के अंदर भी मैंने इसको देखा है, ब्राइटनेस को लेकर भी किसी किस्म का कोई भी इशू नहीं है। इसके बाद बात की जाए कैमराज की तो फ्रंट के ऊपर प्रोवाइड किया गया 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा। आप लोगों के साथ यहां पर मैं कुछ सैंपल्स को शेयर करूं, आप लोग क्वालिटी को एनालाइज कर सकते हो। अभी मैंने इनिशियली इन सैंपल्स को कैप्चर किया है, जो क्वालिटी मुझे काफी ज्यादा डिसेंट लग रही है, कलर्स काफी ज्यादा एक्यूरेट हैं, शार्पनेस भी हमें मिल रही है, स्किन का कलर भी इसने काफी ज्यादा डिसेंटली कैप्चर किया है, तो आप लोगों को इस किस्म की क्वालिटी मिलने वाली है। ओवरऑल देखा जाए तो कैमरा की क्वालिटी काफी ज्यादा डिसेंट है। अगर हम बात करते हैं वीडियो की क्वालिटी की तो फ्रंट के ऊपर हमें 1080p वीडियो को रिकॉर्ड करने का ऑप्शन मिलता है। इसके बाद अगर हम लोग आते हैं बैक साइड के ऊपर तो बैक साइड के ऊपर मेन सेंसर 50 मेगापिक्सल का, साथ में हमें 2 मेगापिक्सल का एक मैक्रो सेंसर मिलता है और 2 मेगापिक्सल का डेप्थ
सेंसर मिलता है। आप लोग यहाँ पर कुछ सैंपल्स को देख सकते हो जो कि मैंने बैकवेल कैमरे के साथ कैप्चर किए हैं। ओवरऑल जो बैक साइड के ऊपर भी क्वालिटी है ना वो काफी ज्यादा इंप्रेसिव मुझे लग रही है। जो डायनेमिक रेंज है वो काफी अच्छी है। कलर्स की मैनेजमेंट और जो रिप्रोडक्शन है वो भी काफी मुझे क्लोज टू नेचर लग रही है। ओवरऑल जो पिक्चर्स की क्वालिटी अगर आप लोग पिक्चर्स को जूम भी करते हो ना तो आपको काफी बेटर मिल जाती है। बैकवेल कैमरे से भी आप लोग 1080p मैक्सिमम वीडियो को रिकॉर्ड कर सकते हो। इसके बाद बात करें स्मार्टफोन के अंदर दी गई रैम और प्रोसेसर की, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसके अंदर हमें नॉर्मल 8GB की रैम मिलती है लेकिन साथ में एक्सटेंडेड रैम 3.0 मिलती है, विच मीन्स कि आप लोगों को एक्स्ट्रा 8GB की वर्चुअल रैम मिलती है। तो आपकी जो टोटल रैम बनती है वो 16GB रैम बनती है, लाइक काफी एक इनसेन चीज है। इस स्मार्टफोन के अंदर आप लोग एक्सटेंडेड रैम के थ्रू 16GB की रैम को एंजॉय कर सकते हो। आप मल्टी टास्किंग अगर ज्यादा करते हो तो भाई आपको काफी ज्यादा सपोर्ट मिलने वाली है। अगर बात की जाए प्रोसेसर की तो स्नैपड्रैगन 680 का प्रोसेसर है। अब ये वाला प्रोसेसर 6nm के ऊपर बेस्ड है। इस प्रोसेसर की स्पेशलिटी ये है कि आप लोगों को जो पावर की कंजम्पशन मिलती है इसकी जो ऑप्टिमाइजेशन है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। सिंपल लैंग्वेज के अंदर बात करते हैं तो आपकी जो बैटरी ये प्रोसेसर यूज़ करता है वो काफ़ी ज़्यादा कम यूज़ करता है। आपका जो ओवरऑल यूसेज का टाइम होगा वो काफ़ी ज़्यादा एफिशिएंट होगा। इसके अलावा अगर हम लोग ओवरऑल एप्लीकेशन की यूसेज की बात करते हैं तो वो भी आप लोगों को काफ़ी अच्छा बैकअप मिल जाएगा। आपकी जितनी भी एप्लीकेशंस हैं नॉर्मल डे टू डे लाइफ की काफ़ी ज़्यादा अच्छी तरह एफिशिएंटली वाला प्रोसेसर हैंडल कर लेगा। इसके बाद बात की जाए कुछ एडिशनल चीज़ों की, तो स्मार्टफोन के अंदर में एंड्रॉइड 12 मिलता है, साथ में वीवो का जो फ्रंट टच ओएस 12 है वो प्रोवाइड किया गया। ओवरऑल जो यूआई का एक्सपीरियंस है वो काफी ज्यादा स्मूथ है। किसी किस्म का कोई भी ब्लॉटवेयर इसके अंदर मौजूद नहीं है। जो यूआई है काफी ज्यादा स्मूथली चल रहा है। और इस स्मार्टफोन के अंदर में जो साइड माउंट फिंगरप्रिंट स्कैनर प्रोवाइड किया गया, यहां पर आप लोग उसको भी देख सकते हो, काफी ज्यादा क्विक है। इसके अंदर भी किसी किस्म का कोई भी मसला नहीं है। अगर बात करते हैं बैटरी की तो 5000mAh की बैटरी है, साथ में 44W की फास्ट चार्जिंग की सपोर्ट है और जो चार्जर है वो तो हमें बॉक्स के अंदर मिल ही रहा है। तो यहां पर ओवरऑल कॉम्बिनेशन बन रहा है ना 44W की फास्ट चार्जिंग का, 5000mAh की बैटरी का और स्नैपड्रैगन 680 का, ये काफी ज्यादा आप लोगों को अच्छी बैटरी बैकअप प्रोवाइड करने वाली है डिवाइस, क्योंकि प्रोसेसर काफी ज्यादा एफिशिएंट है, फास्ट चार्जिंग भी मिल रही है काफी तेजी के साथ, हमारी बैटरी चार्ज होगी। तो ये वाला कॉम्बिनेशन आपको डेफिनेटली पसंद आने वाला है। तो मेनली तौर पर स्मार्टफोन के अंदर में यही हाईलाइटिंग चीजें प्रोवाइड की गई। अगर हम बात करें स्मार्टफोन की प्राइस की तो इसकी प्राइस है 60,000। अब आप लोगों को पता है कि आजकल पाकिस्तान की जो इकोनॉमिक सिचुएशन चल रही है वो आप लोगों के सबके सामने है, और इस प्राइस ब्रैकेट के ऊपर अगर हम लोग स्मार्टफोन की मेन हाईलाइटिंग चीजों के ऊपर ओवरऑल देखते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्मार्टफोन का जो डिजाइन है ना वो भाई काफी ज्यादा क्लीन है, आपको काफी पसंद आने वाला है। जो 50% आपका डिसीजन है मुझे लगता है कि इसके डिजाइन की वजह से और इसके हैंडफील की वजह से हो जाना है। 44W की फास्ट चार्जिंग की सपोर्ट है, स्नैपड्रैगन 680 का प्रोसेसर और इसके अंदर हमें जो ऑडियो बूस्टर प्रोवाइड किया गया उसको भी मैंने टेस्ट किया, वो भी काफी ज्यादा ऑडियो के एक्सपीरियंस को इंप्रूव करता है। तो ये वाली डिवाइस ओवरऑल देखा जाए तो काफी एक डिसेंट डिवाइस है। इसको मैं और मजीद टेस्ट करूंगा। अगर आप लोगों का किसी किस्म का कोई भी क्वेश्चन हो लाजमी तौर पर पूछ लीजिएगा। इस स्मार्टफोन जो लुक्स है मुझे भाई काफी ज्यादा पसंद आई है। और यहाँ पर मैं एक चीज ये भी मेंशन कर दूं कि स्मार्टफोन के अंदर हमें एक येलो कलर भी मिलता है, वो भी काफी ज्यादा अट्रैक्टिव है। अगर आप लोगों ने वो भी देखना है तो वो भी लाजमी तौर पर देख लीजिएगा। इस वीडियो को खत्म करते हैं। आपके जितने भी क्वेश्चन हो स्मार्टफोन के रिलेटेड लाजमी तौर पर नीचे कमेंट कर दीजिएगा। एक क्वेश्चन मुझे काफी ज्यादा आता है कि इसके ऊपर फ्रंट के ऊपर जो प्रोटेक्टिव लेयर है वो लगी हुई है तो नहीं लगी हुई, तो यहाँ पर आप लोगों को फ्रंट के ऊपर जो स्क्रीन गार्ड होता है जो प्लास्टिक की लेयर होती है वो भी मिलती है। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को भी लाजमी तौर पर सब्सक्राइब कर लीजिएगा।